यह राम जो है अर्थात जो कृष्ण है महाराज वो है कौन? बोले राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सब ही के। ये परमात्मा जो है महाराज सभी के सखा है, बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के सभी के सखा है। अर्थात जीव का सच्चा सखा यदि कोई है तो वो है परमात्मा। स्वार्थ साच, स्वार्थ साच जीव कर, शिव का सच्चा सखा कौन है? केवल शिव है महाराज। अर्थात चाहे उसे शिव कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, जो भी कहो, नाम चाहे आप कुछ भी लो, लेकिन है तो वो एक ही तत्व महाराज। यह ब्राह्मण देवता जो है घर में बैठकर के सोचता है मेरा सच्चा सखा तो वही कृष्ण है जो आज द्वारिकापुरी में है। एक दिन इसकी पत्नी जो है, पत्नी अर्थात बुद्धि, बुद्धि की प्रेरणा से ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। तो पत्नी अर्थात सुशीला, सुंदर सील वाली इसकी जो पत्नी है, जो जो बुद्धि का स्वरूप है, यह बुद्धि जो है एक दिन इस जीवात्मा को प्रेरणा देती है और कहती है स्वामी आप उनसे क्यों मिलने नहीं जाते, उनसे मिलने आप क्यों नहीं जाते। तो ये जीवात्मा और परमात्मा का उस संबंध की गाथा है कि अगर कोई जीव उस स्तर पर पहुंच जाता है तो परमात्मा जो है उस जीव के चरण को पखार करके पान करते हैं। ध्यान से देखना ये कथा क्या है। भागवत महापुराण में अनेक गाथाएं हैं परंतु यह सुदामा चरित्र का महात्म्य कुछ अलग ही है। इस कथा को श्रवण करने का फल कुछ अलग है। संपूर्ण कथाओं में अलग अलग फलों का वर्णन किया गया है। इस कथा को श्रवण करने से ये फल मिलता है, इस कथा को श्रवण करने से ये फल मिलता है। सुदामा की कथा को श्रवण करने से कौन सा फल मिलता है ये आगे बताया जाएगा, अभी नहीं। जन भाग गया तेन नहीं जाना है, मोरकाय बिगड़ी, गोर भक्त वत्सल भगवान की जय। और जिन नहीं भागी तेन फल लपही, और जिन भाग गए तेन फल लपाने वाला, अरे प्रसाद वही खाए जिन रुक ही। तो ध्यान से सुनिया, तो कहे स्वामी अर्थात बुद्धि रूपी वह सुशीला, उसकी अर्धांगनी आधा अंग की स्वामिनी कहती है प्रभु मिलने क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमने सुन रखा है कि वह परमात्मा आपका सखा है। तो सुदामा जी कहते हैं कैसे जाऊं हरि के दरबार में, गुरु के दरबार में, श्रेष्ठ के दरबार में व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर जाए तो अच्छा है, अब मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। हमको उचित प्रिया यह नाही, हमको उचित प्रिया यह नाही, खाली हाथ जाय हरि पाए, खाली हाथ जाय हरि पाए। प्रिय हमें ये उचित नहीं लग रहा है कि हम खाली हाथ वहां जाएं, तो इसकी व्यवस्था, इसका व्यवस्था मैं कर देती हूँ। यह सुशीला जो है महाराज निकले और चार मुट्ठी तंदुल जो है वो मांगती हैं लोगों से, और मांग करके एक कपड़े में गांठ बना करके सुदामा को देती हैं। अब सुदामा जो है सोचने लगा, मन में सोचत जात द्विज, प्रत्येक जीवात्मा का प्रश्न है ये, ध्यान से सुनना। हर जीव यही सोचता है जो सुदामा सोच रहा है। क्या सोच रहा है महाराज? बोले मन में सोचत जात द्विज, मैं
तो दीनयनाथ, कैसे करी पहचानी है मोहि द्वार का नाम। सुदामा के मन में प्रश्न उठा कि मैं उस द्वारकाधीश के दरबार में जा रहा हूं, क्या वो मुझे पहचानेंगे? क्या वो द्वारकाधीश मुझे पहचानेंगे? तीन प्रश्न लेकर के जाता है वो, तीन प्रश्न। कौन कौन सा? पहला प्रश्न, जब मैं दरवाजे में जाऊंगा तो द्वारपाल जब मेरा तिरस्कार करेंगे तब मैं क्या करूंगा? दूसरा प्रश्न, जिसको संसार जो है बंधन करता है, पूजन करता है, क्या वो मेरी तरफ देखेगा? तीसरा प्रश्न, क्या मैं वहां जाकर के बैठने के लिए स्थान प्राप्त करूंगा? तीन प्रश्न हर आदमी सोचते, वो खरगस जाऊं तो चीन ही कि नहीं चीन ही रे, अड़बड़ दिन तो हो गए, वो मूर्ति गोठिया ही कि नहीं गोठिया ही रे। अरे गोठिया ही तो ठीक है, बैठे पर आसन देही कि नहीं देही रे। ये तीन प्रश्न प्रत्येक जीवात्मा के भीतर, यह तीन प्रश्न जो है हमेशा खेलता है। आज सुदामा के भीतर यही तीन प्रश्न खेल रहा है। मन में सोचत जात द्विज, मैं तो दीनयनाथ, कैसे करी पहचानी है मोहि द्वारका नाथ। बिना वस्त्र हूं दीन भिखारी, कस जई हूं हरि सभा मजारी। अरे पहनने के लिए तो मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, फटा पुराना मैला कूचला वस्त्र है। लोगों का पहचान वस्त्र से भी होता है, आजकल लोग वस्त्र देखकर ही सम्मान करते हैं। मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा? तीन प्रश्न, कौन कौन सा? बोले पहला प्रश्न, जब प्रतिहार कहे हट जाऊं और करी हूं मैं कौन उपाऊ, जब दरबार मुझे भगाएंगे तो मैं कौन सा उपाय करूंगा? दूसरा प्रश्न, जिनको सकल नरेश जोहारे, वो कैसे ममवोर निहारे। वो तो द्वारकाधीश है, संपूर्ण जगत के राजा उनकी जय जयकार करते हैं, वो मेरी तरफ देखेंगे? तीसरा प्रश्न, जब मैं हरि के सम्मुख जई हूं और कहां ठोड़ बैठन को, क्या वहां मुझे बैठने के लिए स्थान मिलेगा? प्रत्येक जीवात्मा के भीतर यही तीन प्रश्न चल रहा है। मैं वहां जाऊंगा तो क्या मुझे जाने को मिलेगा? क्या वहां के लोग मुझे पहचानेंगे? क्या वहां मुझे बैठने का स्थान मिलेगा? यही प्रश्न महाराज सारा संसार जो है लेकर चलता है। लेकिन उस परमात्मा का तो स्वभाव कैसा है? बोले राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अस्वार्थ रहित सखा सब। वह तो सबके सखा है वो परमात्मा। अब प्रश्न ले चौबे जी महाराज, अब खटखटौवन बिहनिया उठी, अच्छा पागी खेटल मारी, अब भसके भूसका मत गा, लंबर रेंगना है चौबे जी। हाँ ऐसे थोड़े लंबर रेंगना है। चार बजे भिनसरा सुंदर जने, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने Oh,
का भजन कीर्तन करते करते ये सुदामा जो है महाराज पहुंच गए सागर के किनारे, ओई में बेहोश हो गए। ये भवसागर के गहराई देख के ना प्रत्येक जीव मूर्छित होते, इला मैं कैसे पार कराऊंगा होते ना, सुदामो हो गए बिचारे जन। काबर चारों ओर समुद्र विराजे, अत्ता के बीच द्वारका राजे। द्वारका पूरी का निर्माण जो है महाराज विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था, तो सागर के बीच में था, आने जाने के लिए कोई पुल नहीं बना था। भगवान जब आते थे जाते थे ना, तो भगवान के पास वाहन था, गरुड़ में बैठते थे साय से बाहर, क्योंकि दुर्ग बना है वो किस भय से, अर्थात शत्रु आक्रमण ना कर सके। मथुरा में जब भगवान थे जरासंध बार बार आक्रमण किया करते थे, लेकिन द्वारकापुरी में जो है वो पहुंच नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने का साधन ही था। यहू देखी अथा सागर में महाराज, अब बोले अब तो गोविंद, अब तो केवल तुम ही मेरे सारे हो, कुछ भी हो। वहां पर गिर गए, और जैसे ही गिरते हैं भगवान का जो वाहन जो है जिसका नाम गरुड़ है उसको पकड़ते हैं ऐसे करके, और पकड़ के ला करके महाराज द्वारका के बीच चौराहे में छोड़ देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आंखी खोली जिसे करके काय हाल थे रे कि देखिएगा, अरे जहाज हम चलबे ना चढ़े के बेरा का पहली ऐसे, जब जहाज ऊपर डर उड़ाते ना ऐसे उसका डर नहीं लगे। पांडे मजेदार बात बतावा था, पट्टा उत्ता ऐसे बनाए रखे, चढ़े के बेरा डर नहीं लगे, जब उतरते ना तो हकरक ऐसे मारते चक्कर ला, और जितका बेर ऐसे हकरक ले होते ना उसने धर के लगी था ऊपर उतरे के बेरा हकरक ले हो। अब जैसे हकरक ले हो इस महाराज आंखी खुली आए पानी कती गए कहते, तो पानी नहीं महाराज ते द्वारिका पूरी खरे है। अच्छा द्वारिका आ जाऊंगा हाँ तय कौन, तो मैं द्वार पा रहा हूं, प्रणाम कर इस महाराज कौन काज, इतते पगधारो महाराज कह नाम तुम्हारो। सुदामा अपने मन को कोसता है, रे दुष्ट मन तू इन्हीं प्रतिहारों के बारे में सोचते हुए आया है कि जब प्रतिहार कहे हट जाऊं तब मैं करी हूं कौन, हार लोग मुझे धक्का मारेंगे तब मैं क्या करूंगा, लेकिन जिस नगर के राजा कृष्ण हैं उस नगर का प्रतिहारी ऐसा ही होगा। दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, महाराज आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कहां से आए हो। पहला प्रश्न जो है तत्काल डिलीट हो गया, पहला शंका, ये मन शंका ही तो करता है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, लेकिन ये मन केवल शंका करता है, काम वाम करने वाला नहीं है महाराज। वहां पहुंचे, पहला प्रश्न इसका दिलित हो गया। अब दूसरा प्रश्न बचा है, जिनको सकल नरेश जो हारे वो कैसे मम वोर निहारे, क्या वो द्वारकाधीश मेरी तरफ देखेंगे। अब यहां प्रश्न उत्तर हो रहा है, कहां गेट में कौन हो महाराज, तो कहे का बताओ यार कहीं ऐसे चुंदी खजवाई गमोरे कस, ये देखने देगा का बताओ यार कहां से, वो तुहर गांव के जो राजा है ना, तुहर गांव के वो मैं संगे पढ़े हैं आए वो जिन द्वार पर जज किसका विचित्र बात बताता से यार कहीं, वो तो हाई फाई स्कूल में पढ़े हुए कि इस राजा है वहां। अब तोर तो भैया कपड़ा में से एको जगह नजर नहीं आते जिन सिलाई ना हो,
ते तो लगते तो सास पहली बार जन धोतिया दे रही से तेरे पहन बपुरा गड़ा गरीब है का कुछ नहीं करी है काबर कुछ नहीं है उक कोई मतलब है नहीं है प्रशांत चित्त से आत्मा रामस्य अपन आत्मा में रमण करने वाला जीव मिले खा पिया हरि गुण गाओ कोई लेना देना नहीं इसे कि दुर्मिता ने जाने थोड़ा संदेशा बता देना एक जन गई जा करके बताई कही भगवान कृष्ण की जय बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय द्वारकाधीश भगवान की जय एक द्वारपाल गई और कहते जा करके वहां शीश पगा नहीं तनु छगा प्रभु परम दुर्बल अंग है दुपटी फटी धोती लटी लपटी न कर अति तंग है नहीं पगन पनही मगन मनही रूप मानो अनंग है कहो बार बार पुकार कान्हा पढ़ो हमारे संग है बार बार पुकार काना पढ़ो हमारे संग है द्वारकाधीश भगवान की जय द्वारकाधीश भगवान की जय महाराज एक द्वार दरवाजा मा एक ब्राह्मण देवता आए जेकर शरीर में कपड़ा नाम के चीज नहीं है फटे है गोड़ में पन ही नहीं है भगवान कई सहिष्णा तो कतको एक अरे अरे तोर संग पढ़े है कई था अरे यार हमारे क्लास में कई है वैसे हो सकत है कोनो भी हो है अरे राम 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 सुदामा जी कही भैया मुला तो लगते यार भुला गए जिला में भेजे रहे मुला लगते है वो नाव ना मुर नहीं बता इसका काबर यदि परमात्मा ला अर्थात कृष्ण ला मुर नाम बता देतीस ना तो भगवान जिन है मेरन अब तक आ जा रहे ते सुन न भाई रे ते जा सके दूसरैया ला दूसरैया गई अब दूसरैया जाके कहा थे भगवान ला द्वारकाधीश भगवान की जय द्वारकाधीश भगवान की जय दूसरैया कहते द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक कह द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक और रहे चकी सो वसुधाय भी रामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कानों में उस द्वारकाधीश प्रभु के कानों में सुदामा का नाम पड़ा महाराज तत्काल भगवान जो है सिंहासन से कूदते हैं और दौड़ते हुए जाकर के गए लिपट गही कोमल चरणा हुलास सुजात न भरना पुलक शरीर हरे जल नैना गद गद कंठन निकसत बैना जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा मेरे घर आया है तुरंत उठते हैं दौड़ते हैं और दौड़ करके महाराज भगवान जो है सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं जैसे ही भगवान सुदामा के चरणों में गिरे अपने मन से सुदामा कहता है अरे दुष्ट मन तू इसके बारे में ऐसे सोच रहा था कि जिनको सकल नरेश जोहारे वो कैसे ममूर निहारे जिसको सारा जगत बंधन पूजन करता है क्या वो मेरी तरफ देखेगा दूसरा प्रश्न भी इसका समाप्त हो गया चौबे जी दूसरा भी समाप्त कि क्या वो मेरी तरफ देखेगा उत्तर क्या मिला महाराज गए गए लिपट गई कोमल चरणा ही हुलास सजात नहीं वरना पुलक शरीर भरे जल नैना और गद गद कंठन निकसत बैना भगवान के आंखों में अश्रु की धारा है और सुदामा जी अपने मन को कोसता है अरे दुष्ट मन
तो इसके बारे में ऐसे सोच रहा था। अब एक प्रश्न बच गया, दो निपट गया ना, दोनों में भगवान पास हो गए, दोनों में इसका मन जो है वो फेल हो गया, 0/100, एक नंबर भी नहीं मिला। अब एक प्रश्न बचा है, अब उस प्रश्न का उत्तर है, वो कौन सा प्रश्न है कि जब मैं हरि के सम्मुख जई हूं कहां ठौर बैठन को पइयो। जब मैं उसके सम्मुख जाऊंगा तो क्या मुझे बैठने के लिए आसन मिलेगा, ये उसका तीसरा प्रश्न है। दो मिट गया। अब भगवान जो है अब क्या करते हैं, भगवान चरणों में लिपटे, उसके बाद बार बार पूछत कुशलासा इतने दिनन कहां थे भ्राता। हे मित्र भलो आए लेकिन बड़े देर आए, आए भलो लेकिन बड़े देर आया। स कहत बारंबार कान्हा प्यार कर द्विज राज से सकुचत सुदामा मन ही मन कछु कह सकत नहीं लाज से। सब देव हर से सुमन बर से देखी गति ब्रज राज की धन धन मिलाप स्नेह पूरण धन घड़ी है आज की। सभी लोग प्रसन्न हैं लेकिन पटरानी मन के थे, पटरानी मन का पांडे जी एक खुशट बुढ़वा कोने कहा थे मन में सोच करे आठो पटरानी विधि की गति कछु जानत नाही को यह दुर्बल दीन भिखारी और ले गए मोहन भवन मझारी। ये दीनहीन ब्राह्मण कौन है, इसने कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से वो द्वारकाधीश जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश तक मस्तक नवाते हैं वो द्वारकाधीश एक दीनहीन भिखारी के चरणों में अपना मस्तक रखता है, प्रणाम करता है, कौन है ये? अब खांदा हाथ डाले भगवान ने कहा थे मजा आई से यार तोर संग घूमे फिरे मैसे करत भगवान ले जाते हो लगा। भगवान जी है इन सब डाक्टर सोचा थे तोर मई के का हो रुक्मणी और नहीं जाना था इसना वाले रूप वाले कोई नहीं सत्य भामल पूछी तोर सब तोर मई के अरे मैं हूं नहीं जाना वा मोर घर के नो है पता नहीं है नवा प्राणी कौन है वो। आहा अब ध्यान से सुनना, ये लोग सोच रहे महाराज और सुदामा जी महाराज को भगवान जो है वहां ले जा रहे हैं। मणि मंडित चौकी अभिरामा अतः बैठारे कृष्ण सुदामा। भगवान जो है अर्थात परमात्मा जो है यह आसन प्रत्येक जीव के लिए बना रखा है भगवान कि ऐसा कोई जीव आए मेरे पास ऐसा निर्मल मन लेकर के आए मैं उस जीव को उस सिंहासन में बैठाऊं, बस योग्यता होनी चाहिए। आज भगवान जो है उस सुदामा के लिए एक सुंदर चौकी बना के रखे हुए थे। एक न एक दिन तो वह सुदामा वह मित्र वह सखा मेरे पास आएगा, उसको बिठाऊंगा और उसी सिंहासन में महाराज कैसा है सिंहासन मणि लगा हुआ है। मणि मंडित चौकी अभिरामा तहां बैठा रे कृष्ण सुदामा। सुंदर मणि रूपी उस आसन पर बैठाते हैं भगवान जी और भगवान जी पूछते हैं पुनी पुनी पूछे भगवान पूछने लगे क्या बोले पुनी पुनी पूछे कृष्ण मुरारी मित्र कवन गति भई तुम्हारी। हे मित्र हे सखा मेरे यार मेरे दोस्त तेरी ये स्थिति कैसे हो गई। रुक्मणी बोले हाँ स्वामी बोले जा जल्दी से पानी लेके आ जल्दी से पानी लेके आ। तुरंत रुक्मणी जो है महाराज पानी के लिए दौड़ी
रुक्मणी जो है पानी के लिए दौड़ी और इधर भगवान के चरणों को, सुदामा के चरणों को भगवान जो है ऐसे अपने हाथ में ले लेते हैं और भगवान के आंख से ऐसो बिहाल बिवाइन के पग कंटक जाल गढ़े पुनियोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न कते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जग से पग धोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान जो है सुदामा के उन चरणों की तरफ देखते हैं, बिवाई फटा हुआ है, कांटा लगा हुआ है, एक एक कांटा जो है भगवान धीरे धीरे करके निकालते हैं और भगवान के आंखों से जल की धारा बहने लगी। सुदामा का चरण जो है भगवान अपने आंखों से जोड़ते हैं। लोगों ने प्रश्न किया राम और श्री कृष्ण की तुलना हुई यहां पर, राम और कृष्ण की तुलना हुई यहां पर कैसे? तो बोले सुदामा के चरण में एक कांटा लगा था ना, दो चार कांटा, तो भगवान जो है गदगद गदगद रोते हैं और सुदामा का चरण धूल गया, जटायु का पंख कटा था, याद है ना, लेकिन भगवान के आंख से एक बूंद आंसू नहीं निकला, एक बूंद नहीं जी, एक बूंद नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, रामायण में लिखा है जल भरी नयन कहीं रघुराई, आंख से आंसू टपक नहीं रहा है और यहां आंख में आंसू रुक नहीं रहा है। लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज ये भेदभाव क्यों? भगवान जी मुस्कुराकर बोले भैया भेदभाव नहीं है, आंसू दो प्रकार का होता है, आंसू दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रेम का आंसू और एक होता है वियोग का आंसू अर्थात दुख का आंसू। तो बोले दुख का आंसू खारा होता है, प्रेम का आंसू मीठा होता है। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के आंख में जो अश्रु था वो दुख का आंसू था, अगर दुख का आंसू अगर एक बूंद भी जटायु के शरीर में पड़ जाता तो जटायु की पीड़ा जो है वो असहा हो जाती। कहते हैं ना जले में नमक डाला नहीं जाता, इसीलिए प्रभु श्री राम ने संपूर्ण पीड़ा को महाराज अपने भीतर रख लिया लेकिन जटायु के उन घाव पे एक बूंद अपने अश्रु का टपकने नहीं दिया क्योंकि इसको तकलीफ ना हो। और यहाँ सुख का आंसू मीठा होता है अर्थात औषधि का रूप लेता है, यहाँ सुदामा के चरणों में जहाँ कील लगा है कांटा लगा है ये प्रेम का आंसू है और प्रेम का आंसू औषधि का काम करेगा। इसलिए भगवान जो है अपने आंखों से अश्रु की धारा बहा करके इनका पैर धोते हैं और धोने के बाद धोय चरण चरणों तक कृष्ण चढ़ायो मात बूंद बूंद पुनि सपन को देत भयो अगुणा। वह भगवान जो है चरणामृत का पान कराते हैं और हमारा धर्म शास्त्र भी कहता है सप्त सागर पर्यंतम तीर्थस्नानं फलं तु यत् गुरुपादपयो बिन्दो सहस्रंशेण तत्फलम्। अर्थात सातों समुद्र के दर्शन स्नान का फल, संपूर्ण तीर्थों के स्नान का जो फल वो संपूर्ण फलों श्री श्रेष्ठ एक बूंद जल है महाराज चरणामृत का। गुरु चरणामृत का महत्व दसवां हिस्सा है वो तीर्थ, मैं नहीं कह रहा हूं धर्म ग्रंथ कह रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ये तीर्थों की महिमा जानते हैं। भगवान ने कहा चलो मित्र अब अंदर बैठते हैं, तो अब अंदर गए कुर्सी ले
तब भगवान घर इतना स्पेशल बिस्तर लगे रहे छोटे लाल जी चौबे, जब बैठी ना पूछ ले अब जे कभू कभार हम नौवीं पढ़त रहन, 9-5-14 साल के रहन, नौवीं में हमन पढ़े तखतपुर गए तो वहां स्प्रिंग वाले सोफा रहे ऐसे दबाए लोहा डंडा वाले चौबे सर के पीछू टेकोना देवे ऐसे, और मैं पढ़े गए ना वो सोफा एक महीना टूट गएगा सुदामा जी महाराज स्पेशल गद्दा वाला पलंग ऐसे टांग के देखी खड़ा खटिया सोभैया कहीं सोफा में बैठे रही जिंदगी भर बबुरा चटाई में बैठे झाका इसे काहे कहके ऐसे अच्छा है यार बढ़िया है यार लेकिन का काम के यार हमार तो नो है यार आन के यार आधे रात भर मिले है यार ऐसे कहा थे तो भगवान दिन रहे ओहो मितान अब दोनों बैठे हैं मितान एक बात बता ऐसे ऐसे कैसे खखौरी तय करा था त्यार कहीं से लचक गे का कन्हैया प्यारे मंडल कस गई नहीं लचके यार कही लचके लुचका नहीं है मोर भाई कही बात ऐसे हवा ये जत का तो श्रीमती जी है ना इकर नजर मोरे ढार है और ए बिचारी मैं तोला परेशान कर ही मोर जाए एक बार तोर मितान अतेक दूर है ना इस काला इतोर पर घुनाए चाउल ला मैं लगे हम ताक में यार कहीं घर ध्यान हटती तो टुक ले तोला दे देते कहीं बोल बिंदा बन भी आने लेकिन इन तो निटोर निटोर के मोरे ढालो देखा थी कहीं तब भगवान कहीं चिंता मत कर अभी मैं ये सब जन के ध्यान लगे ने भटका देता हूँ कहीं भगवान घोषणा करीस ब्राह्मण के आशीर्वाद से आयु विद्या बल बुद्धि आदि की प्राप्ति होते घर में ब्राह्मण देवता आए जब का जरा सब पाप परा घुलन घुलन पाप परा गई तो जत का रानी सब घुलनना शुरू कर दी कोई सुदामा नहीं देखा थे सुदामा गठरी धरा दी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हवा नहीं लगी इसको नोड़ा भगवान के हाथ में गठरी गए भगवान गठरी खोली भगवान क्या करी गठरी खोली 4:53 में भगवान जिन है गठरी खोलत बैठे है 4:53 में 4:53 में अर्थात संजाग बेरा यही बेरा मा एक गांठ दो गांठ तीन गांठ चार गांठ पांच गांठ छह चौल खोली सरे राम 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 कहीस धन्य सुशीला ला बिना कागज में लिखे घर स्थिति के पूरा बयां कर दिए कहीस चावल देख के भगवान पहचान गए एकर घर में एक मुट्ठी भी चावल नहीं है काबर चार जगह ला है चार प्रकार के रही अब देखा भाई हम चावल कहा था ना कही है मन तंदूर तक तक कत है हम लोग उखर मन के पचड़ा में नहीं फंसना है ज्ञानी पुरुष मन के हाँ उखर पाँ पर हमें असल थेला वो कथेला वो कर अरे आनंद मनाओ ना यार वरना बंद करो राम कथा में आनंद मनाओ क्या हाँ क्या लिखा है उसके चक्कर में मत पड़ो कौन सा शब्द आपके मन को भा रहा है उस शब्द के पीछे दौड़ो किस शब्द को किस स्वरूप को ध्यान करने से हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है अर्थात हम गदगद हो रहे हैं उसके पीछे पड़ो चावल रखे रही से के तंदूर रखे रही से के करेला सब्जी देख रहे का खाई चटनी ना वो अलग विषय कुचर कुचर खा रहे महाराज मोल कर दी करेला चटनी तो खावे खा मेरे टोटा बैठ जाए तार भैया तही बोल भक्त वत्सल ये चाय मिर्चा मिर्चा वाले चाय बनाने वाला पंडित धोखा दे रही है बोल भक्त वत्सल भगवान की कहे महाराज पुलिस 1-2-3-4 देखी साथ चार तरह चावल मतलब मेरे मित्र के यहाँ एक मुट्ठी चावल भी नहीं है ओहो अब भगवान जो है महाराज खाने लगे कपाक से खाई भगवान
एक तो खाईस महाराज एक लोग ते स्वामी बना दी सुधा माला बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक लोग के मालिक दूसरा या फाकिर करीस रुक्मणी पकड़ दीजिए ज्यादा नहीं खांदा कहीं काबर। अरे भैया तो एला धरती के मालिक बना ज्यादा अच्छा रही अपन घर के मालिक जन बना क्यों रस में विष भान कियो। हे रुक्मणी बोले क्यों रस में विष भान कियो अब और न खान दियो एक फाका। अरे विप्राही लोक द्वितीय देत करी तुम क्यों अपने मन शंका भामनी मोही जी माया भली विधि कौन रहो जग में नर लंका। अरे लोग कहे हरि मित्र दुखी हमसे सही जात ना यूं ही कलंका। हे भामनी याद कर उस दिन को तुम्हारा और हमारा मिलन केवल विप्र के प्रसाद से हुआ था। अगर वो विप्र तुम्हारा संदेशा लेकर के नहीं आता तो तू आज मेरी अर्धांगनी नहीं होती। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादात कमला करो हम। हे कमले उसी विप्र के प्रभाव से तू मेरी पत्नी बनी है। और तू कहती है मक्खा ये ब्राह्मण देवता तो तीनों लोक को देने वाले हैं याद नहीं है परसों वामन भगवान की कृपा से ही तो ये धरती बंधन से मुक्त हुआ था नहीं तो संपूर्ण पृथ्वी पर दैत्यों का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था दैत्यों का। अगर ब्राह्मण वामन के रूप में नहीं आता तो ये धरती जो है आज गुलाम रहता। अगर मंगल पांडे नहीं होते इस धरती पर तो भारत आज भी आजाद नहीं होता क्योंकि प्रथम सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे आजादी के मूल यही है लाठी वाले मुंह है। अरे मांगे में भीख नहीं मिले जी देश कैसे मिली बोल भक्त वत्सल भगवान की। मांगे भीख नहीं मिले देश मिल जाए नहीं मिले तो बोले ये है ब्राह्मण भारत को आजाद कराने में भी इनका हाथ था। और उस समय दैत्यों के चुंगल से निकालने में भी इनका हाथ था। और तहुला और राक्षस मन के बीच में निकालने में यही ब्राह्मण के हाथ है। विप्रन की सेवा कियो। हे रुक्मणी इन्हीं विप्रों की सेवा के प्रभाव से ही विप्रन की सेवा कियो भयो अनंत मम नाम कमला सी बामा मिली और सुरपुर को हाँ। इन्हीं विप्रों की सेवा और प्रभाव से मुझे तू मिली है। अब भगवान खा करके तिलक करते हैं इसको महाराज ला। अब महाराज बैठ जा कहाँ बैठो दे मेरा भोजन कर बेगा। तो भगवान जी ने कर माता में से करके तिलक मारिस महाराज तो कहते हैं इसके मस्तक में ना अब देखा वो सब का फल बताया टाइम नहीं है 5 बज गए नहीं तो 7:30 हो गया है। बोल भक्तों बहुत सारा कथा है सुदामा जी के लिए कह तो 3 घंटा वाले कथा है एक बज्जू पूरा भागवत सुना जा बहुत लंबा कथा है एम अभी 5-7 क्षण कथा कहानी छूटे 7 क्षण गुरु जी के दरबार वाला एक कहानी गुरुजी के दरबार में गेरी पढ़े तेन वाला चनाल खाइन तर अब्बड़ तो सुने हवा पूरा नहीं बताओ ध्यान से सुनिए। भगवान के एकर माथा में एकर संपत्ति छह लिखा रहा है संपत्ति हीन श्री हीन तो भगवान बोला चंदन लगा करके यक्ष संपत्ति कर दी पलट के छैला यक्ष बना दी अर्थात संपत्ति में अब तू धनवान होगा। अब का कारण है कि निर्धन हो गए जल्दी से बताया तो फास्ट रूप में एक बार के बात है एक चोर रहे का रहे चोर 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 जिन्हें चोरी करी का चना कहते अब चोरी करके ना वो चोर जिन्हें भागी तो चोर 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 के चिल्लाई
तो चिल्लाइन के सन यही उज्जैन के बात है, हमारे दुरिया के बात ना है, हमारे उज्जैन के पास संदीपनी ऋषि आश्रम यही मेरे के बात है, लगभग से ज्यादा दूरिया नहीं है, याद है यही मेरे। चोर 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 डर के मारे वो का गरीब उलो भी मैं गठरी छोड़ दी, भगे नहीं से सोना है कि परंतु रहा मचाना, और जेखा नहीं यहां ने चोरी करे रहा वो गरीबिन रहा एकादशी परे रहे दुआ, क्या परे रहे दुआ खाए नहीं रही से वो डोकरी दाई गारी दई के जेल रोगा है मोरे चना ला चोरा के भागे है ओला खावे तहां जीवन भर के लिए वो निर्धन हो जाए, ओखर घर में कबू धन संपदा मत रहे मोर श्राप है, अब एकादशी के व्रत करने वाला सियनहीन दाई के श्राप जिन्हें वो जन्म घुस गए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की कम घुस गए वो जन्म घुस गए महाराज, गदगद गदगद पानी गिरत रहे, अब उही चना लेकर के सुदामा जी लकड़ी लाए गए रहे जंगल, और सुदामा जी ने ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञान रहे से की याद रखिया, सुदामा जी जिन महाराज है और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञान रहे से सुदामा जी ला ये बात के भान हो गए कि यदि ये चना ला मैं कृष्ण कन्हैया ला खिलात हूं तो कृष्ण कन्हैया दरिद्र हो जाए, यदि कृष्ण दरिद्र हो जाए तो भारत का पूरा विश्व के धरती जन है निर्धनता रूपी पिशाचनी के जाल में फंस के मर जाए, तो भले मैं जीवन भर दरिद्र हो जाऊं, भले जीवन भर संसार मोला हंस ले, भले ये दुनिया वाले मन मोला निर्धन कई ले चीरा कपड़ा पहन पहनिया कही दे, लेकिन मैं अपन मित्र कृष्ण ला कभी दरिद्री भोगन नहीं दू, चना पूरा खा गए सारा संसार और कपटी के कोई बात नहीं, जैसे माता कह गई, माता कह गई संपूर्ण विष के पान कर गए, जैसे भगवान शंकर विष के पान करके कल बचाए ना उसने माता कह गई जिन्हे संपूर्ण विष के पान कर गए, अर्थात जितना भी दोष है लांछन है और संपूर्ण पी गए राम के कल्याण के लिए राम के हित के लिए, ठीक वही प्रकार कन्हैया के हित के लिए गोविंद के हित के लिए ये सुदामा नामक जन ब्राह्मण है वो चना खा गए जीवन भर दरिद्र का इस भगवान कृष्ण कहिस कि अब वो दिन समाप्त हो गए, काबर कि आज तो वो जिन कर्म के दंडे वो कंप्लीट हो गए, भगवान यहाँ तिलक करते हुए इलक यक्ष संपत्ति दिस छह संपत्ति पलटी मार दिस, अर्थात श्री में यक्ष के समान चंदन लग गए, अब देखा देरी नहीं करो 5 बज गए कहीं जल्दी जल्दी मोला घर जाए लेकर सुदामा बने हो इसने मांगे नहीं मांगा भले मारा बढ़िया कहते बिहनिया दीवार उठ के अब घर आवत मांगा भले मारा बढ़िया दादा बने नहीं मांगे रे अरे मांगते तो हंसी होती अच्छा करे नहीं मांगे तेरे दादा कहते ए हो गए 80 अब ए हो गए 81 माए ब्राह्मण देवता जिन्हें अपन घर पहुंचा था वह जौवन हो गए कहीं जैसे चौबे जी आजकल गांव के जिन डिजाइन है ना बदल गए है ना काकर चक्कर में मोदी चक्कर में अरे आवास योजना लागू कर दे शत्रुहन तो जेन मेरा ना छीतका कुरिया रही थे मेरे लेंटर वाले घर बन गए झकाक ले ओही हाले हो गरीब के हो गए जेन जगह में एकर कुरिया रही से महाराज ओ जगह में बड़का बंगला बन गए ब्राह्मण देवता कही वो तो ठीक है घर द्वार तो दिखत नहीं है अब मैं का करूं उसके टाइम एला सुशीला के आवाज सुनाई दी का करो नहीं मालिक स्वामी मेरे प्रभु का करो झे चिल्ला ये तोरे घरे जल्दी भीतर आए ये डल्लब के सोफा ऊपर सबो ये कार गाड़ी में सब चक्का चक
बोले हाँ ये सब हमरे आए। अच्छा एक रात में तो हिल कहते तंदुल मिलत नहीं एक तीन के भवन कंचन करे पर जिन पगन में पन ही नहीं सुभग रथ गहरे बरे। जिस पांव में एक जूता भी नहीं था जिस तन को ढकने के लिए एक वस्त्र नहीं था आज उसकी ये स्थिति हो गई। तब गति अपार मुरारी बारंबार शिव अज ध्यावही सनकादि नारद शेष सारद नित्य ध्यान लगावही महिमा तुम्हारी अनंत खोजत फिरत अंत न पावही इनिदास साली क्राम है घन श्याम तब गुण गावही। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने इस सुदामा के ऊपर कृपा करी। इस कथा का भी महत्व है महाराज क्या है इसका फलश्रुति ध्यान से सुनना। 41वां श्लोक 81 अध्याय अब यही मेरे विराम तक ले वो खबर बताओ बीच भी राखे मोरो कन्हो भी राखे वो तो भगवान की कृपा है जे मुंह भर नहीं पिरावे बोल वृंदावन बिहारी मुंह नहीं पिराए के कारण ये कारण का जानता कि ये मुंह से महाराज राम कथा निकल रहे महाराज पीठ घर से पिराते के पीठ मधर्म रथे हृदय से धर्म की उत्पत्ति होए तो छाती नहीं पिरावे कथा कही आगे हाँ काका नहीं पिरावे छाती नहीं पिरावे मुंह नहीं पिरावे पीठ पिराते कावर पिराते कि पीठ से अधर्म की उत्पत्ति होए तो अधर्म चाहते तो नहीं बनंद धर्म आत्मा रे अगर ध्यान में चले जाते ना था तो पीठ में जाते हमार ध्यान कहाँ गई से अब एकड़ से दिख गई सब है कि कांटा जो है पांच में शायद ऊपर हो गए बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो कहे महाराज इस कथा का महात्म्य है आचार्य श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं राजन एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधाद् विमुच्यते। अर्थात राजा परीक्षित से श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब तो चिंता मत कर मेरे मन में यह चरित्र जो है वह छुपा हुआ था क्योंकि मैं जानना चाहता था तुम पूछो तो तुम्हें मैं बताऊं। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्यों क्यों नहीं है इसलिए नहीं है कि बेटा ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति की जो कथा है जो चरित्र है इसे जो सुनता है तो भगवान के चरणों में वह व्यक्ति प्रेम भाव प्राप्त कर लेता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पांडे जी आदमी मैंने कथे कि कर्म बंधन लग काटे नहीं गा कथे लेकिन ये कथा बहुत ताकत है। मैं नहीं कहा था भागवत का खोल के देख ले हा और जिन नहीं देखे हो जिन पंडित मंदिर पूछ ले हा 81 अध्याय दसम स्कंद 41वां श्लोक मक्का लिखा है महाराज की के ये श्लोक का अर्थ है। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से बोल रहे कि इस चरित्र में इस गाथा में कर्म बंधन को काटने की शक्ति है अर्थात जो व्यक्ति इस चरित्र को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर लेता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा परीक्षित आज तो छठवां दिन है काल सातवां दिन है काल सातवां दिन है तोर पास काले बसे समझ गए ना तोर कर्म जिन बंधन है तोर डर जिन लगत रही से तिन कट चुके हैं अब कल के लिए तय रेडीमेड तैयार हो जाबे कहीस कस के चढ़ाए तक लपर ही कहीस
कसके खवाए तकला पर ही कहीस और कसके गाय तकला पर ही कहीस। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा गठरी ल नहीं चढ़ाए चढ़ा दे यूं मन नहीं बतावे महू नहीं बतावा क्या भाई भजन सुदामा जी बताया ना कहीं चढ़ा देंगे। अरे चले कहे तत्ते में धर के चढ़ा दे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।